नमस्कार मेरे पाइसेस मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। लेकिन जो मैं आपकी राशिफल लेके आया हूँ, मंथ ऑफ जून कैसा रहेगा आपके लिए, और इससे पहले ये शुरू करूँ तो मैं आपको और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, तो फेसबुक पर मेरा लाइव शो रहता है हर बुधवार रात 8:30 से 9:30 यूके टाइम के हिसाब से। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना कोई भी एक सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, इमीडिएटली मैं आपके उस सवाल का आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। और हम आगे बढ़ते हैं आपके मंथ ऑफ जून के राशिफल के साथ। तो आपका जून का महीना कैसा रहेगा, तो सबसे पहले आपके राशि लॉर्ड जुपिटर 8th हाउस में बैठे हुए हैं। ये दिखाते हैं कि हेल्थ के मामले में आपको बहुत सजग रहना होगा, यानी कि महीने की शुरुआत आपकी हेल्थ को कमज़ोर दिखा रही है, तो इसलिए हेल्थ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है, हेल्थ अच्छी हो तो आपको सब कुछ करने का मन करता है, हेल्थ अच्छी हो तो आप खुशियों में भी वहाँ रहते हैं, और अगर हेल्थ ख़राब हो तो आप कितना भी अच्छा माहौल क्यों ना हो, आपकी जेब में कितने पैसे क्यों ना हो, आप उसको इंजॉय नहीं कर पाते। तो अपनी हेल्थ के ऊपर आपको इस पूरे महीने में खास तौर पे ध्यान देना होगा। इसके अलावा एक और चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, धन का नाश, यानी कि इस महीने में आपका धन, जैसे आप लगा रहे हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए कि मेरा बिजनेस बढ़ जाए, नया बिजनेस कुछ खोलना चाहते हैं और आप उसमें पैसे लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो पैसे आपके डूबते जा रहे हैं। जैसे आपने एक एस्टीमेट लगाया था कि मुझे 10,000 जो है मुझे लगाने हैं, उसके बाद मेरा बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाएगा, इससे मेरी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन वो हो सकता है 10 गुना बढ़ जाए। यानी कि अगर आप पहले से तैयार हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा मनी है और आपके पास आपने उसका पूरा अरेंजमेंट कर रखा है, तभी आप नई इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जो ऑलरेडी लोग बिजनेस में हैं, अभी तो वर्तमान में समय जो है जून महीने का पाइसेस राशि वालों के लिए उनको भी बहुत परेशान कर रहा है। हो सकता है कि आपका बिजनेस जितना पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहा था उसकी परफॉर्मेंस में कमी आ जाए, आपकी सर्विसेज अच्छी ना हो, आपके अगेंस्ट कंप्लेंट होनी शुरू हो जाए, यानी कि आपके ऊपर एक स्ट्रेस जो है वो बढ़ेगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपके कुंडली में एक योग बनेगा जो 8 जून के आसपास बनेगा, यानी कि शुक्र और चंद्र ये एक ऐसे ग्रह हैं या आपके प्रोफेशन के ऊपर, जैसे ये कहें कि आपकी कुंडली में पंचम घर का मालिक जो है, लॉर्ड जो है चंद्रमा, वो महीने की शुरुआत में ही 10th हाउस में होगा, वहीं 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो पंचम घर में आ जाएगा, और उसके अलावा ये कहें कि 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है और 12th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में, तो एक ऐसी पहेली बन गई है कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल हाय। तो ये हाय की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं होगी, मतलब भाग दौड़ ज़्यादा और नतीजा वही का वही, दिन भर थक हार कर हमें बचा कुछ नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सावधानी के साथ अपने बिजनेस और प्रोफेशन को देखें, अपने करियर को बहुत आपको ध्यान से चलाना होगा, गुस्से में काम आवेश में काम करने से नुकसान ही होता है। और साथ ही साथ कहूँगा जो लोग जॉब में हैं भाई, आप भी थोड़ा संयम रखें तो आपकी बात इस बार बनेगी, नहीं तो कहीं आपको अपनी जॉब से हाथ धोने ना पड़ जाए। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है, ये तो है शुरुआती बात जो टेंशन दिखा रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा शुक्र बदलेगा वो निश्चित तौर पे एक टेंशन दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सूर्य और बुध का भी ट्रांजिट होगा। सूर्य और बुध जो इस समय आपकी कुंडली में 3rd हाउस में आपके पराक्रम में बैठे हुए हैं और आपके राशिपति के साथ एक छड़ा अष्टक योग बनाए हुए हैं, वही एक उसकी फाउंडेशन में आ जाए कि सुख स्थान में आ जाने से जो मुश्किलें बिगनिंग में आपके लिए बनेंगी, जिससे आप हतोत्साहित होंगे, निराश हो जाएंगे, एक बार फिर से एनर्जी फ्लो आपके अंदर आएगा, यानी कि कुछ अच्छा होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो आप थोड़ा इंतजार कर लें, वो अच्छा है, और उसके बाद जो मुश्किलें हैं वो आपकी कम हो जाएंगी, आपको साथ मिलेगा नो डाउट, और आप एक तरक्की के जीवन को, एक खुशहाल जीवन की ओर आगे बढ़ जाएंगे, और ये महीना आपके लिए फिर धीरे धीरे करके कुछ चीज़ों को लेकर आएगा। लेकिन इस समय के दौरान एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपके पास गोल्ड ज्वेलरी जितनी भी है परिवार में होती है, माँ बाप की, पत्नी की, किसी ना किसी की होती है, हमारे खुद के गहने कई बार होते हैं, आप गोल्ड को बचा के रखें। गोल्ड का सेल हो जाना, बेच जाना, खो जाना, ये एक अच्छी इंडिकेशन नहीं है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगर आपने इन चीज़ों को मेंटेन किया तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही अच्छी स्थिति आपकी बन जाएगी। इसके अलावा एक और जो नेगेटिव पॉइंट इस समय आपके लिए दे रहा हूँ वो है पंचभाव में राहु और शुक्र का होना, यानी कि पंचभाव में जब राहु और शुक्र होते हैं तो जीवन साथी जो है उसकी जो मानसिक स्थिति होती है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसके पर्सनल हेल्थ के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ पंचम भाव का जो असर है वो सीधा कनेक्शन होता है बच्चों के साथ, इस बार आपका बच्चों के साथ आर्गुमेंट भी हो सकता है, मिसकैरेजेस के चांसेस जो हैं वो इस महीने में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान दें, और मैं ये भी कहूँगा साथ में कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने जो मुश्किलें हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ और आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ऑलरेडी ऐसा कुछ चल रहा है,
तो इससे बचने का तरीका, शांत रहें, संयम के साथ काम करें। और एक उपाय साथ में बहुत जरूरी है, वो है सूर्य को अर्घ देना। सूर्य की उपासना जितनी की जाए, जब भी सूर्य को अर्घ दें, सूर्य को जल दें, तो उसमें थोड़ा सा चावल और दूध जरूर डाल दिए जाएं, तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही बेहतरीन उपाय आपके लिए साबित होने वाला है। इस समय के दौरान आप एक और चीज़ का ध्यान रखें कि अपने उत्तम करैक्टर को मेंटेन करें। ये आपका करैक्टर जो है, करैक्टर कई तरह का होता है, हम ये सीधा ये करैक्टर को गलत चीज़ों की तरफ ले जाते हैं। हर तरह का करैक्टर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप समाज में रहते हैं तो आपका करैक्टर बहुत बड़ी एक जैसे कहें कि आपकी पर्सनालिटी, आपका रिफ्लेक्शन है। आपका अगर करैक्टर आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया है, तो कितनी भी खटाई, कितनी भी बुराई, कितना भी बुरा समय इस समय दिखाई दे रहा है, आप उसके ऊपर विजयश्री पालेंगे। और उम्मीद यही करता हूँ कि इस महीने में आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने होंगे और आप उसको लेने में कामयाब हो जाएंगे और आगे चल के आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जो उपाय मैंने दिए हैं वो आपको साथ में फॉलो करने चाहिए ताकि आपकी बात जो है वो बन जाए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलूंगा आपसे और बात करूंगा आपसे आपके अगले महीने के राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।